अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रई जाहिद फ्राम ABSN एसोसिएट्स बैरा टाउन कराची, और आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं बैरिया का प्रेसेंट 14 में 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि तमाम प्रेसेंट्स का आपको गाहे बगाहे अपडेट देते रहें, उसके कंस्ट्रक्शन के हवाले से अभी अपडेट देते रहें कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कितनी हो चुकी है, करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं और डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, और इसके अलावा उस प्रेसेंट की क्या अपडेट्स हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि तमाम अपडेट्स आपके साथ टाइमली शेयर करते रहें। तो आज हमने चूज़ किया आपके लिए प्रेसेंट 14 का आपको स्ट्रीट व्यू दिखा रहे हैं आज हम, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में कंस्ट्रक्शन चल रही है। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्रेसेंट 14 बिल्कुल अली ब्लॉक के सामने ही लोकेट करता है। मेन जन एवेन्यू पे आपको एक तरफ अली ब्लॉक देखने को मिलता है, तो उसके राइट साइड पे आपको प्रेसेंट 14 देखने को मिलता है। प्रेसेंट 14 के को अगर हम डिवाइड करें, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका पार्ट है जो हाइटेड लोकेशन पर है, बिल्कुल अली ब्लॉक के लेवल पर ही लोकेट करता है। और अगर हम इसका एक और पार्ट देखें, इनिशियल जो स्ट्रीट्स हैं इसकी उनको देखें, तो वो आपको ज़रा लोअर पोर्शन में मिलती हैं। लेकिन दोनों स्ट्रीट्स के अपने अपने रेट्स हैं, दोनों पोर्शंस के अपने अपने रेट्स हैं। तो आपको हर जगह पे हाई डिमांड मिलती है इस वक्त। सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है वो यहाँ की लोकेशन है, मेन जन एवेन्यू पर ही लोकेट करता है, गेट से डिस्टेंस बहुत कम है। जैसे ही आप बैरिया टाउन में एंटर होते हैं तो ग्रैंड मस्जिद के सामने आपको प्रेसेंट 16 पड़ता है, 16 के बराबर में ही आपको 14 शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे लोकेशन का, बहुत अच्छे सराउंडिंग का प्रेसेंट है। इसके बैक साइड पे आपको देखने को मिलता है प्रेसेंट 15A में इस टाइम अच्छी खासी सेलिंग बाइंग हो रही है। उसकी बैक साइड पे 15B है, 15B बहुत एक्टिव है। और प्रेसेंट 14 की खास बात ये है कि इस टाइम भी 100% डेवलप हो चुका है, कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पर कुछ घर ऐसे भी आपको मिलेंगे जो 100% रेडी हो चुके हैं और इनमें फैमिलीज ऑक्यूपाइड भी हो चुकी हैं, और 100% आपको एरिया लेवेबल भी मिलता है। और यहाँ पे जितनी भी आपको यूटिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो भी आपको चंद किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिलती हैं। अली ब्लॉक हो, अली ब्लॉक का पेट्रोल पंप हो, और इसके अलावा अली ब्लॉक के पेट्रोल पंप पे आपको टक शॉप भी मिलती है, जिसके ऊपर तमाम बेसिक नीड्स की चीज़ें आपको सारी मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग मॉल देखें तो इम्तियाज़, और इसके अलावा जितना भी कमर्शियल एरिया है वो भी आपको यहाँ से चंद किलोमीटर की ड्राइव पर ही देखने को मिलता है। ये रोड 1 है, रोड 1 ही एक्चुअली अपार्ट करता है दो पार्ट्स को जिनकी हम बात कर रहे थे। तो ये एरिया इसका सेकंड है जो हम बता रहे थे कि कुछ लोअर पोर्शन में है। यहाँ के रेट कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलते हैं जो स्ट्रीट्स इसकी हायर लेवल पे हैं उससे। तो ये इसकी कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं। लोकेशन यहाँ की भी बहुत बेहतरीन है, और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी लोकेशन मिलती है आसपास की, बहुत अच्छा व्यू मिलता है, और बहुत हाइटेड लोकेशन पे यहाँ पे एक स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2 के दरमियान में एक ट्राइंगल शेप का आपको पार्क भी देखने को मिलता है। ये पार्क की लोकेशन है, और सामने आपको व्यू मिलता है ग्रैंड मस्जिद का, बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है आपको। और बराबर में आपको ये कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये भी अगले चंद सालों के अंदर रेडी होंगे। तो आपको ये एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड देखने को मिलने वाला है। ये स्ट्रीट 2 है, स्ट्रीट 2 से हम वापस मुड़ते हैं, और आज के हम विज़िट को यहीं एंड करते हैं। अगर आपका प्रेसेंट 14 के हवाले से कोई क्यूरी है, एक चीज़ जो हम आपको बताना भूल गए वो ये, करंट प्राइसेस इस टाइम क्या चल रही हैं। तो प्रेसेंट 14 में इस टाइम आपको 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देखने को मिलता है 6 मिलियन से लेकर 8 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर, 60 लाख से 80 लाख की ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलता है जनरल प्लॉट। रेट वेरी करता है लोकेशन के ऊपर, जो हमने दो पार्ट इसके बताए हैं आपको, हर पार्ट का रेट अलग है। तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर 60 से 80 लाख की ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक पार्क है जो आपको फ्यूचर में यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन का मिलने वाला है। इसके आसपास की जितनी स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 10 हो, 11 हो, तो आपको इन पे जो पार्क फेस प्लॉट मिलने वाले हैं बहुत अच्छी लोकेशन है, और हायर रेट सबसे ज़्यादा यहीं पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो कैटेगरी के प्लॉट्स हैं यहाँ पे वो भी आपको अच्छे रेट में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये प्रेसेंट जो है इस टाइम अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है आपके लिए। और अगर आप एक अफोर्डेबल प्लॉट लेके आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, और आपको अगले चंद सालों के अंदर या चंद महीनों के अंदर यहाँ पे अली ब्लॉक जैसा ही इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, जिस तरह अली ब्लॉक में इस टाइम हर गली में आपको दर्जनों घर बनते हुए मिलते हैं, तो अगले चंद महीनों के अंदर अंदर आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन होती हुई मिलेगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको तमाम अपडेट्स टाइमली प्रोवाइड करते रहें।
तो ये था हमारा आज का प्रेसेंट 14 का विजिट, प्रेसेंट 14 के लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप प्रेसेंट 14 में या आसपास किसी भी प्रेसेंट में, पूरे भैरेटाउन में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारी अगर कोई रहनमाई चाहिए आपको उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं आपके लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ रईस जाहिद रियाज फ्रॉम ABS & Associates भैरेटाउन कराची। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अपनी वैल्यूएबल कमेंट से भी हमें आगाह करते रहा करें। साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।